खैर मकदम है। जम्मू के तवी पुल के करीब आज लोगों ने स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया, जिस वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त कुछ देर तक मुअत्तल होकर रह गई। लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो ही तवी पुल की ओर पेशकदमी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोका। उनका मजीद कहना था लोगों का कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्मार्ट मीटर के हिसाब से बिजली फीस अदा कर सके। तहम पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाजी लोगों को मुंतशिर किया गया, जबकि कई एहतजाजी लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दो दो डेढ़ लाख रुपया वाला एक बोल आया, पखा सिर्फ एक पखा लाया। हाँ ये देखो मेरी क्या हालत हुई है, इसको पढ़ के देखो क्या है। मेरे घर वाला दिहाड़ी लगाता, मैं कहाँ से दूंगी, कहाँ से लूंगी पैसे। मैं कोई मोदी ने नौकरी नहीं दी है, बच्चों को नहीं दी, कोई मेरे घर वाले को नहीं दी, मैं कैसे करूंगी पूरे इतने पैसे। मेरा तो मकान में नहीं रहने के लिए था, मेरे को गवर्नमेंट ने बना के दिया था रहने के लिए, मकान में नहीं था मेरा। तो अभी इतना बिल आ रहा, मैं कहाँ से दूंगी। मेरा रहने के लिए घर भी नहीं था, जब दिहाड़ी लगाता मैं कहाँ से दूंगी इतना बिल। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाला है, बहू है, एक बहू है, बहू है। ठेका बंद होना चाहिए, ठेका साढ़े दरवाजे खुले दा, सारे पैसे उत्थे जंदे। जितनी कमाई करते हैं जो दिहाड़ियां लगाते हैं वो उधर दे देते हैं। हम बिल कहाँ से देंगे भैया, कहाँ से देंगे बिल। ये करना बात चाहती हूँ, जो मेरा जितना भी बिल आया माफ किया जा और मेरी बिजली फ्री किया जा, बात ठीक है। यही बात करना चाहती हूँ मैं और कुछ नहीं करना चाहती। हाँ जी, क्या कहना है, यही है। बिजली का बिल बहुत हो गया, बिजली का बिल हम कहाँ से देंगे। हम गरीब लोग हैं, कोई कमाने वाला नहीं है घर से। पिल्सन 8 महीने हो गया, पिल्सन रुकी हुई, हम बीमार हैं, दवाई कहाँ से खाएंगे। कोई दवाई के लिए पैसा नहीं है, बेटे है वो शराबी है, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से बिल उतारेंगे बिजली का। जनता पूरी परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, पूरा जम्मू परेशान है इनसे। प्रीपेड दूसरा तीसरा जो भी देख लो, जो भी है जम्मू में, जो कुछ शुरू होगा जानीपुर से शुरू होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जानीपुर, मीटर स्मार्ट मीटर जानीपुर, बिल से बिल ज्यादा जानीपुर। राहत कोई नहीं मिली जम्मू वालों को, सिलेंडर महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, कौन सी चीज सस्ती है जिससे राहत मिलेगी। दिहाड़ीदार लोग हैं हम दिहाड़ी में कितना कमा लेंगे, 500 रुपया, 500 रुपया में क्या आएगा। सर बात यह है कि अमन शांति जो है गवर्नमेंट का काम है, अमन शांति बहाल करना। अगर हम लोगों को गरीबों को जे मतलब गवर्नमेंट तंग करेगी तो ऑटोमेटिकली मतलब ये पब्लिक रोड पे आएगी, रोड पब्लिक आएगी, पुलिस वाले मारपीट करेंगे। जो ऐसे थोड़ी मतलब ये पुलिस हो सकता है, ऐसे तो होगी नहीं बात। इसलिए मतलब ये हमारी जो एजिटेशन हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट को हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर हम हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर मतलब वस्ती जिला गांधरबल के वाइल इलाके में आज उस वक्त सफे मातम बिछ गई जब एक कमसिन पुल के करीब डूब गया। मकामी लोगों का कहना है कि वाइल ब्रिज के करीब एक कमसिन डूब गया। वाकया पेश आने के बाद पुलिस और मकामी लोगों ने कमसिन बच्चे की तलाश शुरू की, जो कि काफी देर तक जारी रहे। उन देर तक काफी मशक्कत के बाद जहां पर पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद ही कमसिन उस बच्चे की लाश को बरामद किया गया है। कमसिन बच्चे की शिनाख्त हाजिक के बतौर हुई है। हाजिक इम्तियाज जो कि गांधरबल जिले का ही रहने वाला है, गांधरबल का रहने वाला, मनीगाम गांधरबल का रहने वाला हाजिक, काफी मशक्कत के बाद उनकी उस लाश को बरामद किया गया। पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो ही ये खबर फैली इलाके में तो पुलिस जाए मौके पर पहुंची, उसके साथ साथ ही मकामी लोग भी वहां पर पहुंचे और उनकी लाश को करीब 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर ही इनकी लाश को बरामद किया गया है। हाजिक जो कि मनीगाम का रहने वाला है, उसकी लाश को बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि ये वाइल ब्रिज जिसे हाल ही में आवाम के लिए खोल दिया गया है, वहां पर इस कमसिन बच्चा जो है वो डूब गया। उसके बाद ही पुलिस और मकामी लोग वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उनकी लाश को बरामद किया गया।
महकमी स्कूल एजुकेशन समाग्रा शिक्षा जे एंड के की जानिब से अगले माह अक्टूबर में होने वाली चीफ सेक्रेटरी स्टेक होल्डर्स मीटिंग की आइंदा तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस के बारे में एक इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के SCERT ऑडिटोरियम बेमिना में मुनक्कद हुई है। आलोक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेहमान खसूस के बतौर मौजूद थे। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर समाग्रा शिक्षा इस मौके पर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के साथ साथ सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्कद किया गया। आलोक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए जिंदगी की आसानी को फरोग देना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्कूल डेवलपमेंट है वो बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे एलिमेंट्री लेवल के स्कूल्स हैं जो कि 20-20 साल पहले बने, आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बनी। अब NEP है, कंपटीशन का दौर है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बच्चे के पास नहीं होगा वो बच्चा कैसे कम्पीट कर सकता है आज? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीज़ की होती है, एक ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर लैकिंग इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स विच आई डू नॉट वांट टू गो एट द मोमेंट, बट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स एसेंशियली मीन्स द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी इम्पार्ट। से इफ आई मेक अ वेरी बिग स्ट्रक्चर वुड दैट बी इम्पार्टिंग गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन? सो please stop harping upon the physical infrastructure. Physical infrastructure we are trying to develop, it will take time, it will not happen in a night, right? So we are doing it in phases. As I mentioned here, PM Shri is towards development of infrastructure. For higher education it is PM Usha. So we are in the process of improving the physical infrastructure, but we are devoting our much time and resources on improving the skills of the teachers who would ultimately be imparting education. आप ये बताएं मुझे कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग बना दूं जो बाहर से खूब चमकता हुआ रहे लेकिन अंदर टीचर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी मैं एनहांस ना करूं? वुड दैट बी अ गुड वे फॉरवर्ड? नो नो। सो वी आर इंसिस्टिंग मोर ऑन improving the capacity building and working on capacity building and improvement in the quality of the teachers for which various programs are being run on a continuous basis. Nazreen, khabarnama jari rahega, yahan pe ek aur chota sa tijarati waqfa.